आर्यस का ड्रेस निकाल दिया है फ्राइडे के लिए, और आर्यस आज ये पहनेंगे कुर्ता वाइट पजामे के साथ और ये वाली वेस्टकोट। ये भी अच्छी लगेगी अगर हम पहनाए इसके साथ, तो फिर यही कि मैं इसके साथ ये पहना दूंगी, ब्लैक ट्राउजर पहना दूंगी। और कुछ नहीं पता कि आज अलविदा है या नहीं है, नेक्स्ट फ्राइडे है। तो ये है कि मैं जो है वो रेडी हो गई हूँ, आज हम जा रहे हैं अम्मी के घर पे रोज़ा खोलने के लिए। मैंने जो है अम्मी को खुद कॉल करके कहा कि मैं आ रही हूँ ना, तो अम्मी ने कहा ठीक है आ जाओ। तो ये है कि अभी बस हम लोग सब रेडी हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, तो बस हम निकलते हैं घर से क्योंकि 6 बज रहे हैं, एक घंटा ही बाकी, एक डेढ़ घंटा बाकी रह गया है, तो हम वहाँ जाके आप सबसे मिलते हैं। खजूर खाई ना ले, खाएंगी जब मेरा रोजा था, जल्दी खाएंगी। और खजूर खाया कुछ अगर खाओ। तो बस यहाँ पे हम सब रोज़ा खोल रहे थे मिलकर, और मेरी तो आज बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग नहीं थी जाने की कि मैं मम्मी के घर जाऊँगी ना। बस ये 5 बजे के टाइम पे जो है वो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमने नानों के साथ एक भी रोज़ा नहीं खोला है, तो आप नानों को कॉल करें। इन लोग ने खुद से कॉल करी मेरे मोबाइल से और फिर अपनी नानों से कहा कि हम आ जाएँ, तो ये कि हम रेडी होके चले गए, वरना पहले से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। और यहाँ पर रोज़ा खुल चुका था, उसके बाद जो है मैं यहाँ शोखियाँ मार रही थी। मुझे ना ये अम्मी की वैनिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। अम्मी ने ये जो है अभी 1 पहले ही अपना न्यू फर्नीचर लिया है, तो मुझे ना अम्मी का फर्नीचर का कलर बहुत प्यारा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी जब अपना घर ले लूँगी ना, जब मेरा अपना घर हो जाएगा, तो फिर मैं भी जो है वो न्यू फर्नीचर लूँगी, क्योंकि मेरे फर्नीचर की जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। शिफ्टिंग करके जो है वो मतलब ना टूट फूट गया इतना, जबकि मेरे हस्बैंड जो है वो अलग से लेबर्स को चार्जेस देते हैं कि जो है मेरा फर्नीचर बिल्कुल ऐसे उठाना कहीं से ख़राब नहीं हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता लेके जाने में स्टेयर्स वगैरह से, या अगर कोई ऊँचा मतलब घर मिलता है कहीं फ्लोर वगैरह पे, तो ये कि वो ख़राब हो ही जाता है जितना भी हम उसकी केयर कर लें।
तो एनीवेज इंशाल्लाह ताला मैं भी बहुत जल्द न्यू फर्नीचर ले लूँगी। और यहाँ पे यह है कि अम्मी जो है वो चाय बना रही थी। अम्मी के घर जब मैं आती हूँ ना तो चाय वगैरह ये सब चीज़ें ना मैं चाहती हूँ बस मैं अम्मी के हाथ की पीऊँ ना, क्योंकि हम जो है वो घर में थक जाते हैं अपने हाथ का ना जायका एक खा के और चाय वगैरह पी के। तो जब मैं अम्मी के घर आती हूँ ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अम्मी के हाथ की चीज़ खाऊँ, क्योंकि बड़ा दिल करता है कि अम्मी की चीज़ खाए, अम्मी के हाथ की चीज़ खाओ, कोई डिफरेंट कुछ खाओ, अपने हाथ का तो खा के इंसान बोर हो ही जाता है। थोड़ा छोला रख दिया मैंने। अच्छा पकौड़ा रख दूं? नहीं नहीं खाएंगे मम्मी। अब दोबारा चाय बनाएंगी? तो एवरीवन ये देखें आज नामिया ने लगाए हैं नेल्स, और ये नेल्स देखकर ना मुझे अपना बचपना याद आ गया। मैं ये इतने लगाती थी कि मेरे जो है वो दर्द हो जाता था। है अम्मी लगाती थी ना मैं ये रखे। नामिया दर्द होगा हटा लो बेटा, ये यहाँ पे दर्द होगा आपके फिंगर्स में। तो हम पी लेते हैं अपनी चाय। बुलाती हूँ भाई। मम्मी हटो, क्या बदतमीजी है ये। तो हम पी लेते हैं चाय। अस्सलाम वालेकुम पप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपकी बर्थडे। हाँ चले हाथ तो नीचे कर ले, मैंने हाथ मिला तो लिया। आज मेरे बर्थडे और इन्होंने मुझे नमाज भी नहीं पढ़ी थी और मैं हो गई हूँ 25 साल की हो गई है। 27वें साल में लगूंगी ना, 27वें साल में लगूंगी तो 27वें बर्थडे होंगी। अच्छा अभी आप दोनों 26वें बर्थडे हो गई। अच्छा नहीं ना, 25 की तो मैं भी नहीं हूँ, आपसे छोटी हूँ मैं। क्या हो गया, 26वें साल में मेरी बर्थडे हुई है और मैं 3 से छोटी हूँ, 4 से बड़ी हूँ। अच्छा अच्छा सही है। चले और क्या कर रही थी आप? ऊपर नमाज पढ़ ली? नहीं और ऊपर अभी नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज हो सकता है तुम्हारे यहाँ से पढ़कर चली जाऊँ। अच्छा जी सही। तो आज हमारी फूफो की थी बर्थडे, वो है एवरी अलविदा पे जो है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। आज अलविदा है ना, अब जो वो आएगा जुम्मा वो ईद का होगा। और अगर फूफो हाँ अगर इस जुम्मे को नहीं हुई अलविदा तो फिर आप अगले अलविदा को फिर अपनी बर्थडे मनाएंगी? नहीं दो अलविदा, आप हर अलविदा पे बर्थडे मनाती हैं तो दो अलविदा पे दोनों दो बर्थडे होनी चाहिए ना। दो अलविदा पे दो बर्थडे होंगी, जब कोई और मेरा साथ देगा तो। ये तो अमल करारू नहीं। आरू को तंग नहीं करो, आरू जो है ना वो केक के मामले में क्रेजी है थोड़े से, इनकी मामा बनाती हैं लेकिन फिर भी ये ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं बना के देती आरू, बैड मैनर्स। तो अब आप दोनों को पानी की मुबारकबाद क्यों दे रही है? अच्छा आप नफिल मांगती है पानी के लिए? देखें जरा हमारे कराची के हालात देखें कि पानी नहीं आ रहा होता तो जो है हम नफिल मांगते हैं कि पानी आ जाए। क्या करूँ बताएं पप्पो? मेरे सूट की वीडियो बनाओ और इस सूट की तारीफ करके अपने ऑडियंस को। आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं अपने जन्मदिन वाले दिन। आरु क्या नानू को क्यों तंग कर रहे हो? वो तो ऊपर चला गई, वो चली गई लाइफ अपने घर चली गई, ताला लगा हुआ है। चले अब आप नमाज पढ़ लें फूफो, ठीक है? चले ठीक है जाए आप। तो एवरीवन इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। और ये है कि मैं मम्मी के घर पर हूँ, बस मैं भी थोड़ी देर में अपने घर चली जाऊंगी। और आप लोग बस यही कहूंगी खुश रहे, रमज़ान जो रह गए वो अच्छे से गुजारें, और बस यही कहूंगी मैं। और आप तो हुब्बा आप भी बोल रहे भाई मेरे ऑडियंस को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले हमारे फायदा के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक लाइक करें। चलो बोलें अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलिए भाई अल्लाह हाफिज़ जा रही हूँ।
बता देना बेटा तुम्हें कब आना है, सही? चले ठीक है, मैं खीर बना के रखूंगी ना बेटा, दही बड़ा बनाऊंगी। चले भाई फूफो, अल्लाह हाफिज। हाथ मिलाओ। अल्लाह हाफिज। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।